taking only 10 to 12 minutes. इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस एस नाटा जी, प्रोफेसर ओपी वर्मा जी, मेरे पुलिस बंधु वर्ग, प्यारे बच्चों, मैं हर रोज क्लास में आपसे जो बात करता हूं उससे थोड़ा हट के बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपनी इस बात को सिर्फ हिंदी में करूं, क्योंकि ज्यादातर आपसे बात इंग्लिश में होती है। इस दिन की महत्ता के ऊपर जाते हुए और नाटा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक संदेश मैं आपके सामने थोड़ा सा आपको दूंगा, जो शायद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरा ये मानना है कि सिर्फ शिक्षित होना ही काफी नहीं है। तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शिक्षित होना, समझदार होना और विवेकशील होना। सिर्फ शिक्षित होना ही काफी नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ आपको समझ डेवलप करना और विवेक को जागृत करना उतना ही जरूरी है। अक्सर शिक्षा संस्थानों में सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया जाता है, ड्रोनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। भाग्यशाली हैं आप कि आपके निदेशक उनके मार्गदर्शन में अक्षर ज्ञान के साथ साथ आपको आपके समुचित विकास के सारे संभावित रास्तों के ऊपर जो है कार्य किया जाता है। आपका ये जो रैप्सोडी या आपका आज का जो कार्यक्रम निश्चित रूप से उस दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। अगर मैं आज के इन कार्यक्रमों को, मैं एक कार्यक्रम में और भी गया, अपने ही विभाग के उस कार्यक्रम में गया, तो अगर तुलना करें तो हमारे उस विभाग का कार्यक्रम आपके इस कार्यक्रम के मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करता। मैं सच्चे मन से और सच्ची बात आपके सामने, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर निश्चित रूप से आपकी जो इसमें सहभागिता है, आपकी जो कमिटमेंट है, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कमिटमेंट है। काम को करना और एक्सीलेंस के साथ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको अपने अध्यापकों से बहुत बड़ी आशाएं अपेक्षाएं हैं, हमें भी आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं और आशाएं हैं। सर ने कहा कि जितने काफी लोग ऐसे हुए जिन्होंने शिक्षा का ज्ञान नहीं लिया परंतु उन्होंने बहुत बड़ी एक्सीलेंस अचीव की, तो वो एक समझ और विवेक की बात उन्होंने की। उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हम उदाहरण ले सकते हैं गुरु नानक का, हम उदाहरण ले सकते हैं कबीर जी का, उदाहरण ले सकते हैं हम सूरदास जी का। उन्होंने कोई शिक्षा का कोई ज्ञान ऐसे नहीं लिया कि किताबी ज्ञान नहीं लिया, पर उन्होंने जो चीज उस वक्त दी वो आज भी उतनी ही सत्यपरक है। वो कैसे सत्यपरक हुई? क्योंकि उन्होंने अपनी समझ को इतना डेवलप किया